हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम इसकी कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान मार्च 2021 की जो वर्कशीट है तो इसका पूरा हल देखें। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, देखिए क्या कारण है कि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि। अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी ये महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ का व्यवसाय कृषि होने के बाद भी वो पिछड़ा हुआ है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अफ्रीका के मूल निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि होते हुए भी वे कृषि में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, इस कारण वहाँ बड़ी बड़ी घास उग जाती है, फसल नहीं हो पाती है। ठीक, फसल नहीं पकती, बस इतना लिखते हुए फसल नहीं पकती तो वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अगला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का क्रम विकास होने के कारण वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कम विकास। तो अफ्रीका में ऊंची पठारी भूमि और वनों की अधिकता के कारण यातायात का विकास बहुत कम हुआ, यानी वन बहुत मात्रा में बने हुए, औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ, इस कारण ये क्षेत्र पिछड़ गया। तो इस तरीके से उत्तर भी आप लिख दें। अगला देखिए दोस्तों, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले मुख्य खनिज उत्पादक देशों की सूची बनी है। तो देखो, खनिज का नाम है हीरा, कहाँ पाया जाता है? जायरे। फिर सोना दक्षिण अफ्रीका में, तांबा कांगो, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, लोहा अल्जीरिया। ठीक है, तो इस तरह से अपना नाम आराम से लिख सकते हैं, ये वीडियो को स्किप करके हमें आराम से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन का तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भक्ति आंदोलन ने धर्म व समाज दोनों क्षेत्र में व्याप्त आडंबर व कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। बस इतना आप आराम से लिखते हैं, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अगला देखिए, कलकत्ता से पेशावर तक निर्मित राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया? वर्तमान में मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह ने मौर्य काल में निर्मित कलकत्ता से पेशावर को जोड़ने वाले पुराने राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड का निर्माण करा। ठीक है, कलकत्ता से पेशावर को रोड का नाम क्या था? ग्रैंड ट्रंक रोड और GT रोड, जिसको संक्षेप में GT रोड बोलते हैं, का निर्माण कराया। किसने कराया? शेरशाह। ठीक, अगला, इमारत का नाम है, निर्माणकर्ता स्थल कहाँ स्थित है और निर्माण प्रयुक्त सामग्री? तो लाल किला कहाँ है? लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। कहाँ पे? दिल्ली में। कैसे बना? पत्थर से। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, और ये कहाँ? आगरा में, और संगमरमर से बना। पंचमहल किसको बनाया? अकबर ने बनाया, और ये कहाँ बना? आगरा में, और ये किसने बनाया? पत्थर। और हम तो जो ना इस पर अकबर लिख दो, तुम तो सब अकबर ने बनाया, और ये मकबरा है दिल्ली में लिख दो, कुछ भी लिख दो, मत छोड़ दो, बल नहीं लिखो दो। पत्थर और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया, फतेहपुर सीकरी में है और पत्थर का बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ आप पारे आसान से लिख दें। ठीक, अगला देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित करते समय मतदान भाग नहीं ले सकते, क्यों? उपराष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित कर मतदान भाग नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वे राज्यसभा के नियमित निर्वाचित सदस्य नहीं होते, राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य नहीं होते, बस इतना लिखते हैं। बोलते फिर एक तालिका बढ़नी आपको, देखिए, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का, राष्ट्रपति चुने जाने की आयु 35 वर्ष, है ना। क्षमादान का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक का अंतिम रूप कौन देता है? ये भी राष्ट्रपति देता है, बस ये लिख दो आप आराम से। अगला देखिए, राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, अगला, जो यूरोप का मानचित्र है और इस मानचित्र के आधार पर आपको कुछ इधर के भरना है, तो क्या क्या भरना देखिए आप।
कोयला उत्पादक देश, इसमें आप लिखते हैं रूस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि। लोहा उत्पादक रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड। ठीक, अगला महाद्वीप किस भाग में मत्स्य उत्पादक उद्योग है? इटली, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। और मोटरगाड़ी निर्माण केंद्र भारत, अमेरिका, जापान। बस ये लिख दें आप। शक्कर उद्योग कहाँ पे? भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया आदि। ठीक है, अगला देखिए, एक सही जोड़ी बनी है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नुकीली पत्ती वाले वन, ये है टुंडेगा में, टेगा। काकेशस पर्वत कहाँ पे है? ये एल्ब्रुस चोटी में, टुंड्रा रेंडियर। और अल्पस है माउंट ब्लैक। ठीक, ये इसमें लिखते हैं। अगला है, छत्रपति शिवाजी के राष्ट्रप्रधान के नाम बताइए। तो पेशवा, अमात्य, सुमंत, मंत्री, सचिव, पंडित राव, सेनापति, न्यायाधीश। ठीक, ये आठ नाम लिखते हैं। अगला देखिए, मुगलकालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मुगलकालीन चित्रकला से भारतीय तथा फारसी दोनों शैलियों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख दें। अगला देखिए, मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वस्तुएं, तो आयात कौन कौन से होती है? सोना, चांदी, कांच, शराब आदि। और निर्यात में सूती वस्त्र, गरम मसाले, हल्दी, नमक आदि। ठीक, अगला, हमारे देश में एकीकृत न्याय प्रणाली का से क्या आशय है? पाँचवा प्रश्न देखिए। तो उच्चतम न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर। ठीक, अगला, कौन सा व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है? तो न्यायाधीश बन सकता है, कौन बन सकता है? तो वह भारत का नागरिक हो, वह किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुका हो, वो पागल दिवालिया नहीं हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो। ठीक, अगला प्रोजेक्ट कार्य देखिए। ये जो चित्र दे रखे, इसमें जो मानचित्र भरना आपको, तो कहाँ पे क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। पहला में देखो, एटलस पर्वत यहाँ पे आएगा, एटलस पर्वत है। भूमध्य सागर यहाँ पे आएगा, भूमध्य सागर लिखते हैं। यहाँ पे नील नदी बह रही है, अबिसिनिया का पठार यहाँ पे, ये अबिसिनिया का पठार। और भूमध्य रेखा इसी डंडा खींचते यहाँ तक भूमध्य रेखा है। कांगो बेसिन यहाँ पे आ जाएगा, गिनी की खाड़ी है, नीचे गिनी की खाड़ी है। जंजीबार द्वीप यहाँ पे, ये और न्यास व चाट झील यहाँ पे लिखते हैं आप, न्यास व चाट झील यहाँ लिखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह आपका कोर्स पूरा होता है और आप अपने कॉपी में लिख लें। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक भी करें और दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।